एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल आज इसका सेकेंड एपिसोड था। और अगर बात की जाए तो जिस पॉइंट पर कल इस एपिसोड को खत्म किया गया था, यानी कि तेजस्वी क्या सेट पर वाकई में बेहोश हो गई थी, करण गुस्सा हुए थे, तो लोगों को ये लगा था कि वाकई में जो है तेजस्वी के साथ कुछ ना कुछ जरूर हुआ। हालांकि ये सब कुछ एक प्रैंक निकला, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ही नेचुरल लग रहा था। और जिस तरीके से उसके बाद करण ने भी रिएक्ट किया, ऐसा लग रहा था कि मानो करण का भी रिएक्शन बहुत नेचुरली था, जिसको बाद में प्रैंक की तरह प्रेजेंट किया गया। इस पूरे शो की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये लगता है कि इस शो में जो इन लोगों ने अर्चना को पहले एपिसोड में बुलाकर बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, एक एंटरटेनमेंट क्वीन की तरह जो है अर्चना उभरती हुई नजर आ रही हैं। कल के एपिसोड में बहुत ही ज्यादा अर्चना का कंट्रीब्यूशन था, आज भी उनकी पंचलाइंस जो है वो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन आज मुझे सुम्बुल और शिव का कंट्रीब्यूशन बहुत कम लगा। मुझे ऐसा लगा कि अगर आपको तेजस्वी करण को ही इतना ज्यादा फुटेज देना था तो आज इन दोनों को बुलाने की जरूरत नहीं थी। गेम्स सारी मुझे अच्छे लगे, शानदार लगे, तो गेम्स का सिलेक्शन भी थोड़ा सा यूनिक है, अलग है, इसका सेट काफी ग्रैंड बनाया गया है। लेकिन आज जो एंड पॉइंट था कि रुबीना और तेजस्वी अगर दोनों ही एक ही सीजन में होते तो विनर कौन बनता, जिस पर रुबीना ने कहा मैं बनती और तेजस्वी ने बोला वैसे तो अब मुझे कुछ कहना नहीं, पर ठीक है तुम्हें लगता है, वैसे तो सबको पता है मैं ही बनती। इस पर रुबीना ने बताया कि मेरे 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं और सोशल मीडिया पर लोगों से कनेक्ट होना जरूरी है, तो उनसे सवाल किया गया कि भाई फिर खतरों के खिलाड़ी कैसे हार गई आप, झलक दिखला जा कैसे हार गई आप। तो आपस में ही एक दूसरे का फन भी बनाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, तो इस तरह की चीजें जो है इस शो में देखने को मिल रही है। एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल, जैसा कि शो का नाम है, स्टैंड अप कॉमेडी, कॉमेडी एंटरटेनमेंट, तो ये पूरा होल जो पैकेज है वो इसमें देखने को मिल रहा है। पर सुम्बुल और फरमान फैंस के लिए एक अच्छी खबर है, अगले हफ्ते आपने देखा कि निक्की, प्रतीक ये लोग आए हैं, पर साथ में सुम्बुल और फरमान के साथ भी आज एपिसोड शूट किया गया है जो कि बहुत जल्दी दिखाया जाएगा। तो आज के एपिसोड की मैं बात करूं तो करण तेजस्वी को बहुत अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया गया है, उनसे पूछा भी गया कि भाई आप लोगों को तो अकेले में टाइम ही नहीं मिलता है, आप लोग जो है इतना बिजी है, एक भेड़िया है, एक नागिन है, तो एक दूसरे के साथ टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, कब शादी हो रही है भेड़िया नागिन की। हमेशा की तरह करण वही बोलते हुए नजर आए कि भाई पेरेंट्स ही बताएंगे कि हमें कब शादी करनी है। अर्चना गौतम की पंचलाइंस जो है आज भी बहुत ही अच्छी थी, और इसके अलावा अर्जुन बिजलानी, उनका स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा से ही बहुत ही अच्छा रहा है। शिव ठाकरे मुझे लगता है कि धीरे धीरे बहुत ही एक अगर मैं कहूँ उनका जो ऑरा है, जो मैंने जब देखा था वो बिग बॉस के घर के अंदर गए थे और जब बाहर आए हैं, तो वो मुझे वैसे ही अभी भी उतने ही ग्राउंडेड और हम्बल लगते हैं जैसा कि वो पहले थे। तो एक उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है जो मैं देख रही हूँ, उनमें कंसिस्टेंसी वैसी ही है, वैसे ही बने हुए हैं वो। सुम्बुल जब भी म्यूजिक बजता है तो सुम्बुल थिरकने लग जाती है, डांस करने लग जाती है। पर अगले हफ्ते हम इंतजार करेंगे अब निक्की और प्रतीक के एपिसोड का, देखना होगा। हालांकि तब अर्चना भी आई है, शिव भी है, तो देखना होगा कि क्या टीम बनती है, कौन जीतता है, कौन हारता है। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताएं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर रुबीना और तेजस्वी वाकई में एक ही सीजन में होते तो उन दोनों में से कौन जीतता, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा।